सो गाइज वेलकम बैक टू अदर वीडियो। दिस इज उमंग और आज इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी ड्राइंग बुक के बारे में बात करेंगे। सो अगर आप एनाटॉमी सीखने में इंटरेस्टेड हैं और बिल्कुल अच्छे से एनाटॉमी आपको सीखना है तो आप इस बुक को फॉलो कीजिए। ये बुक आप परचेज कर सकते हैं और जो इसमें कुछ कुछ ड्राइंग्स हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी एनाटॉमी ड्राइंग इम्प्रूव हो सकती है। सो मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ इस बुक को, तो ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए परचेज करने से पहले। इसमें गाइज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, स्केलेटन, हेड एंड नेक, टॉर्सो, आर्म, हैंड, लेग्स, फुट एंड क्रॉकी। ये फोर्थ एडिशन है गाइज, काफ़ी डिटेल्ड बुक है। सो अगर आप बिल्कुल रियली एनाटॉमी सीखना चाहते हैं तो ही इस बुक को परचेज कीजिएगा, बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इन डेप्थ में स्टडी की हुई है इस यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं एक एक बोन का आपको इसमें और एक एक मसल का आपको इसमें पूरा डॉक्यूमेंटिंग मिलेगा। तो आप देख सकते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन है स्कल का बाकी बोन्स से और कुछ एक्शन फिगर्स हैं इसके बाद। और ये क्विक स्केचिंग के बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है कुछ कुछ। यहाँ फीमेल का है और इधर छोटे बच्चों का भी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके अलग अलग फिगर्स को अलग अलग पोज में बैठा के उनका स्केचिंग किया हुआ है। अब यहाँ पे बोन्स और स्केलेटन मेन पार्ट है जो, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल डिटेल्ड है सब कुछ। एक एक बोन एक एक मसल का गाइज आपको इसमें नाम मिल जाएगा और वो कैसा शेप है उनका, आप ये देख सकते हैं ये सारा। आई डोंट नो आपको ये इसका पढ़ने का ज़रूरत होगा कि नहीं होगा, बट जब इसमें दिया हुआ है ये फाइन आर्ट की बुक है और इसमें दिए हुए हैं सारे नाम तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए। ये स्कल है, एक एक बोन, जब बैक साइड स्कल का फ्रंट व्यू साइड व्यू सब चीज़ बिल्कुल अच्छे से थॉरली डिस्कस हुआ है इस बुक में। और ब्लॉकिंग सिखाया हुआ है, बोन्स का स्टडी है गाइस। ये बोन है और इसके ऊपर जब मसल चढ़ाया गया तो वो कैसा ड्राइंग हुआ, तो बिल्कुल बोन्स और मसल्स का एक साथ कंपैरेटिव स्टडी है इसमें। आप देख सकते हैं घुटनों का है और ये घुटनों के नी के बोन है और इधर भी बिल्कुल सेम है दोनों, तो इन दोनों को रिप्रेजेंट किया हुआ है बहुत अच्छे से। यहाँ पे हमारे आईज, नोज और लिप्स हैं और ये अलग अलग रेसेस के मैन हैं, अलग अलग जगहों के लोगों का इसमें डिपिक्शन किया हुआ है। और यहाँ पे इमोशंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है गाइस। और आप ये देख सकते हैं कि कितना इन डेप्थ इसमें दिया हुआ है मसल्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें भी हों, तो बिकॉज परचेज करने से पहले अगर आप देख लें एक बार कि इस बुक में क्या होने वाला है, तो आपको जब परचेज करने के बाद अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं चाहिए तो फिर आपको रिग्रेट ना हो। तो इसलिए मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा दिया। यहाँ पे ये एक्चुअल बॉडी है और यहाँ पे मसल्स का स्टडी है, तो ये दोनों एक साथ हैं। तो ऐसा भी आपको इसमें मिलेगा अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं तो ये बुक बहुत बेस्ट है। फिर है पेल्विक बोन के बारे में अलग अलग एंगल्स में, ये फीमेल का है गाइस। अब ये देख सकते हैं इस पोज का एक एक पार्ट के बोन को अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है, जैसे हैंड का बोन इधर है और मसल है तो इनको इधर इस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, और ये शोल्डर है तो शोल्डर को इधर डिस्क्राइब किया गया है, और थाई है तो थाई को इधर, तो किस तरीके से बिल्कुल डिटेल्ड में किया गया है इन सारी चीज़ों को। तो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अगर आप एनाटॉमी में इंटरेस्टेड हैं तो।